नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बजट सत्र के दूसरे चरण के चौथा दिन की कार्रवाई शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। इस बीच बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन पहुंच गए हैं। बता दें कि सदन की कार्रवाई हंगामे को देखते हुए 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं सदन की कार्रवाई 2 बजे फिर से शुरू होगी, जहां बीजेपी राहुल गांधी के दिए विवादित बयान को लेकर लगातार हंगामा कर रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार अडानी हिडनबर्ग मामले को लेकर हंगामे कर रही हैं। बता दें बजट सत्र के दूसरे चरण का चौथे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन पहुंचे। बजट सत्र के दूसरे चरण के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, जो अभी 2 बजे के बाद शुरू होगी। बता दें लगातार पक्ष विपक्ष अपने अपने मुद्दों को लेकर हंगामे में जुटे हुए हैं। आज सदन के दूसरे चरण का चौथा दिन है और लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। राहुल गांधी सदन पहुंचे। सदन के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई स्थगित होने का सिलसिला लगातार चौथे दिन जारी है, जहां केंद्र सरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों को लेकर उनसे माफी मांगने पर अड़ी है। वहीं विपक्ष ने अडानी मामले में हिडनबर्ग के खुलासे को लेकर भाजपा को घेरना जारी रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सदन के 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे पर सदन में चर्चा अभी तक नहीं हुई है। आखिर कौन सदन में जनता के मुद्दों को उठाएगा? आपको भी इतना अवसर तक के लिए स्थगित की जाती है। खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, सदन के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई स्थगित होने का सिलसिला चौथे दिन भी लगातार जारी है। जी, मैं बता दें कि बजट सत्र के दूसरे फेज का चौथा दिन है और सदन की कार्रवाई से अगर बात करें तो आज जहां लगातार विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी मामलों को लेकर जहाँ विपक्ष लगातार रिपोर्ट की मांग कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के उद्योगपति गौतम अडानी के हिस्सों को लेकर लगातार सवाल पूछ रहा है, तो वहीं पक्ष की बात करें तो वो आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी राहुल गांधी से माफी मांगने की बात पर अड़े रहे हैं। आपको बताएं कि बीते दिन राहुल गांधी विदेश यात्रा पे थे, जहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया था। भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि हमें माइक, जब भी हम सदन में बोलते हैं, भारतीय संसद में बोलते हैं, तो विपक्ष की यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है उनके माइकों को बंद कर दिया जाता है, बोलने का अधिकार जो हमें मिला है उससे कहीं ना कहीं रोका जाता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के का जो तमाम सांसद हैं, जो तमाम पदाधिकारी हैं, वो लगातार राहुल गांधी से संसद के अंदर में माफी मांगने पे अड़े हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आज चौथे दिन राहुल गांधी सम्मिलित हुए हैं सदन की कार्रवाई में। अगर बात करें तो राहुल गांधी के गैर मौजूदगी पे जब कल अनुराग ठाकुर, क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी कहाँ हैं, उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो आज राहुल गांधी संसद की कार्रवाई में
हिस्सा लेने पहुंचे। और तो विवांशु, राहुल गांधी सदन पहुंच चुके हैं, अभी 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, तब क्या कुछ हो सकता है, क्या फिर से हंगामा हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बताया कि राहुल गांधी सदन की कार्यवाही 2 बजे से फिर से शुरू होगी। दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दी गई है। अगर बात करें तो राहुल गांधी आज एक बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने किसी भी सदन की जो गरिमा है उसको झूमिल नहीं किया है, और उन्होंने कहा कि भारत विरोधी बयान नहीं दिया है और मैं सदन में अपनी पूरी बात को रखूंगा। तो जहाँ 3 दिनों से लगातार सदन के अंदर में जो पक्ष है यानी कि सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम घटक सहयोगी दल के नेता वो लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे थे, तो वहीं अगर बात की जाए तो लगातार आज फेज 2 का 4th दिन है और जो तमाम विपक्षी दल है वो यही मांग कर रहा है कि अडानी मामले को लेकर JPC की जांच हो। और वहीं अगर बात की जाए तो अगर राहुल गांधी जब सदन में हिस्सा लेने पहुंचते हैं तो वो एकदम हूबहू उसी दृश्य में नजर आते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं पहने हुए नजर आए थे। आपको बताएं कि स्थगित होने के बाद राहुल गांधी अपने बयानों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां विपक्ष अपनी मांगों को लेकर मांग कर रहा है, JPC की मांग को कर रहा है, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई कृत्य नहीं किए हैं जो मुझे माफी मांगनी पड़ी और मैं कोई भी देश की और संसद की गरिमा को धूमिल नहीं किया हूं और पूरा जवाब मैं सदन की अंदर दूंगा। और उन्होंने कहा कि अडानी मामले को लेकर जो सत्ता पक्ष है भाजपा है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हम जब सवाल उठा रहे हैं तो क्यों उन्हें भय सता रहा है। बात की जाए तो पूर्व में आपने देखा है कि विपक्ष के सरकार जो तमाम नेता हैं वो दलील दे रहे हैं कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, चाहे बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो तमाम जगहों पे देखा जाए तो ये दोनों कई देश के प्रधानमंत्री JPC की मांग को स्वीकार करके JPC की मांग को स्वीकारे हैं, JPC की जांच हुई है, तो आखिर अभी क्या स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी हमें जो JPC की हमारी मांग है उसे माना नहीं जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी NDA के जो भी दल के हिस्सा है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर मांग रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, उस पर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि सदन के अंदर मैं अपनी बात रखूंगा। अब देखने वाली बात होगी मयूरी कि राहुल गांधी जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं सदन की गरिमा को धूमिल करना, साथ ही साथ राहुल गांधी इसको भी कहते हुए नजर आए हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें बोलने की लिखने की आजादी है, हमें फंडामेंटल राइट के अंदर में ये हमें अधिकार है, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि वो विदेश में जाकर इस बात को कह रहे हैं जिससे भारत की जो छवि है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी, छवि धूमिल हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 बजे से जब सदन की कार्रवाई की शुरुआत एक बार फिर होगी तो राहुल गांधी जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उस पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं। मगर बात की जाए तो तमाम प्रमुख विपक्षी दल अगर देखें तो 16 प्रमुख विपक्षी दल कल एक बैठक किए, बैठक की अगुवाई कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में की गई, इसमें 16 दलों के नेता सम्मिलित हुए और उन्होंने विवांशु देखा जाए तो सदन के 4 दिन हो चुके हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर जनता के मुद्दे सदन में कौन उठाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास मौका भी है और विपक्ष जनता के मुद्दे नहीं उठा रहा है, वो लगातार अडानी के मुद्दे उठा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर सदन चलेगा और बात की जाए तो सभापति जैसे जो तमाम नेता होते हैं वो एक अनुमोदन देते हैं कि हमें बोलने का मौका दिया जाए, विषय चुनते हैं उस पर सभापति ओम बिरला और जो तमाम उप सभापति हैं वो उन्हें स्वीकृति देते हैं लोकसभा के अंदर में, और राज्यसभा के अंदर में अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति और जिन्हें स्पीकर की जिम्मेदारी दी जाती है वो स्वीकृति देते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि JPC मांग को लेकर जहां लगातार विपक्ष मांग कर रहा है और किन किन मांगों को लेकर वो रखता है, मगर निश्चित तौर पे सदन की अगर बात करें तो सदन चलती है जिसमें जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के सांसद होते हैं वो अपनी क्षेत्रों को समस्याओं को रखते हैं सदन की पटल पर, उस पर चर्चा की जाती है, और ये जो सदन का फिर सूत चल रहा है ये बजट का प्रश्नकाल है, तो निश्चित तौर पे बजट में जो कमियां हैं या अच्छाइयां हैं उन पर पक्ष और विपक्ष की चर्चा होती है। मगर JPC की मांग को लेकर अगर देखा जाए तो 4 दिन से सदन की कार्रवाई
बाधित रह रही है, व्यवधान हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आम जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे बात की जाए महंगाई, चाहे बात की जाए रोजगार, चाहे बात की जाए शिक्षा, चाहे बात की जाए चिकित्सा, चाहे बात की जाए देश की प्रगति, इस पर कब चर्चा करते हैं नेता। वो सदन की जब कार्रवाई चलेगी उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों पे बात करते हैं। मगर विपक्ष इस बार के सदन के प्रश्नकाल में जेपीसी की मांग को लेकर लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। और देखने वाली बात ये होगी कि जहां विपक्षी दल की बात करें, कल ईडी के अंदर में ये पैदल मार्च किए जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में 16 दलों के नेता ने ईडी की दफ्तर पहुंचकर एक सर्वसहमति के साथ एक पत्र अडानी के खिलाफ देने पहुंच रहे थे, मगर प्रशासन की तरफ से उन्हें दिल्ली के विजय चौक पे रोक दिया गया और उसके ठीक बाद वो वहां से वापस लौटा दिए गए। जिसके ठीक बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है कि हम 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 की पुलिस तैनात की जा रही है। अब वो लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनके जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो सरकार को जेपीसी के साथ साथ जो देश की समस्या है उस पर सवाल उठाते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो आज जब सदन की कार्रवाई हुई तो सदन की कार्रवाई से में के दौरान टीएमसी के एक नेता सदन के अंदर में कहीं ना कहीं सभापति ओम बिरला के जो उनकी चेयर होती है उसके पास पहुंच गए। ठीक उसके बाद सदन की कार्रवाई को रोका गया। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि जहां अगर देखें तो हर एक विभाग जो केंद्रीय विभाग है उनके जो तमाम नेता हैं, जो तमाम मंत्री जिम्मेदार हैं, वो बजट को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बजट को आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर, अमृत काल के बजट के तौर पर प्रस्तुत की है। अब इस अमृत काल के बजट जहां भाजपा बता रही है उसे जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं बजट में कमियों को लेकर लगातार बोल रहे हैं। आपने देखा कि फेज वन में राहुल गांधी लगातार बोलते हुए नजर आए। अब प्रश्नकाल का समय है और प्रश्नकाल में किन विषयों को उठाया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की अगर बात करें तो आप 5 बिल लोकसभा में पेश होने हैं और लगभग 26 बिल राज्यसभा में पेश होने हैं, तो कुल 31 बिल पेंडिंग पे हैं। इन बिलों पर कब चर्चा होगी, कब पक्ष और विपक्ष अपनी राय देंगे, क्या उनका रुख रहेगा, वो आने वाला समय बताएगा मयूरी। मगर जो तमाम जन समस्याओं को लेकर जो तमाम बिले हैं, बात करें तो जो 31 बिल लंबे अरसे से पेंडिंग है, तो तमाम आम जनता जो है, आम जनमानस जो है, वो आशा लगाए बैठा है कि इन बिलों को पास किया जाएगा। जी धन्यवाद भ्रांशु तमाम जानकारियों के लिए। बिजली कर्मी आज से हड़ताल पर रहेंगे, 72 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। बढ़ती गर्मी के बीच 72 घंटे काम काज ठप करेंगे बिजली कर्मी। बता दें हड़ताल के दौरान तकनीकी कर्मी भी मुस्तैद रहेंगे। इसी बीच ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सभी कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर कार्रवाई होगी। वहीं बता दें कि निजीकरण रोकने चेयरमैन एमके देवराज को हटाने, संविदा कर्मियों को नियमित करने समेत विभिन्न मांगों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बता दें बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। 72 घंटे कार बहिष्कार करेंगे बिजली कर्मी। अपनी तमाम मांगों को लेकर बिजली कर्मी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर मंत्री एके शर्मा का भी बयान सामने आ गया है कि कार्य में व्यवधान डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें बढ़ती गर्मी के बीच 72 घंटे कामकाज ठप करेंगे बिजली कर्मी। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। बिजली कर्मी आज रात से हड़ताल पर रहेंगे। कर्मी आज रात से हड़ताल पर रहेंगे। 72 घंटे कार बहिष्कार करेंगे। बढ़ती गर्मी
के बीच 72 घंटे कामकाज ठप करेंगे बिजली कर्मी। बता दें हड़ताल के दौरान तकनीकी कर्मी भी मुस्तैद रहेंगे। इसी बीच मंत्री AK शर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कार्य में व्यवधान डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार ने हड़ताल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, बिजली कर्मी आज रात से हड़ताल पर रहेंगे, 72 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिजली घरों का हाल देखा जाए तो सुबह से ही 10 बजे से ये हड़ताल पर निकल चुके हैं। कई जितने भी बिलिंग काउंटर है लगभग 40 गया है बिजली काउंटर को दिखाया गया की वहाँ के कर्मचारी ने दबंगई के साथ बंद कर दिया और वहाँ पर कई उपभोक्ता परेशान खड़े थे और वो बार बार मिलते कर रहे थे की हम लोग भी बिजली का बिल आए, बच्चों को छोड़ने गए थे, बिजली का बिल समय तरह तरह की बात करके तो कहीं ना कहीं बंद सांकेतिक के रूप में समझ आ रहा है। इसको सांकेतिक कैसे कह सकते हैं जब समस्याएं उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही है। कोई भी उपभोक्ता अगर पहुंच रहा है बिजली घर तक तो उसकी कोई भी समस्याएं अगर दूर की जा रही है ना तो कोई सुनने वाला है। फिलहाल अभी जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के कर्मचारी अपना विरोध दर्ज जता रहे हैं करके सचिव को कि कहां पर किस तरीके का कार्य हो रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से लगभग 9:30 बजे से जो भी पावर कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी थे, संविदा थे, जो निविदा कर्मचारी है वो लगातार अपनी कुछ सूत्रीय 15 सूत्रीय मांग है उनकी, उनको लेकर के हो रहा है। इसी तरह आपको बता दें महोबा से बर्खास्त भी किया है और मजिस्ट्रेट भी लगाया गया है, जो केंद्र है उसको केंद्र है और संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मयूरी जी, धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। आज माँ भारती के वीर सपूत पद्म विभूषण की जयंती है, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के पहले सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत जी की आज 66वीं जयंती है। सीडीएस बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। जनरल बिपिन रावत सीडीएस बनने से पहले भारतीय सेना के 27वें प्रमुख थे। बता दें जनरल रावत की 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। वहीं उनकी जयंती पर सीएम योगी समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने लिखा, देश के पहले सीडीएस मां भारती के वीर सपूत पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। योगी सरकार ने यूपी भर में रामायण और सप्तशती का पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया है। जहां सरकार के इस फैसले से श्रद्धालुओं में खुशी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसी सुंदरकांड का हिस्सा जिसका सरकार ने पाठ कराने का निर्णय लिया है। यानी सरकार का यह निर्णय महिलाओं व शूद्र समाज को प्रताड़ित व अपमानित करने वाले 3% लोगों का बढ़ावा देने एवं 97 हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है।
फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसे हुए है। वहीं लगातार एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी क्रम में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन में तैनात स्टेट ऑफिसर और स्टेट मैनेजर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि कंपनियों के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देने की एवज में वह 1.5 लाख की रिश्वत मांग रहे थे। ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो इंडस्ट्रीज को और कंपनीज को जो इश्यू करते हैं, ये उसके लिए पैसा लेते हैं। इसमें जो ये स्टेट मैनेजर है और ये स्टेट ऑफिसर है, ये दोनों इन्वॉल्व है। स्टेट मैनेजर का नाम है विकास चौधरी और स्टेट ऑफिसर का नाम है मनोज कुमार है। तो ये हर कंपनी से ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए ये एक फिक्स अमाउंट ये रखते हैं। ये वेरी करता है, 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक जाता है, मगर वो फिर कॉम्प्रोमाइज होता है और पैसा लेते हैं इसमें। संबल में नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लगातार समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शन के 14वें दिन भी सभासद धरने प्रदर्शन पर रहे। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता धरना स्थल पहुंचे, वहीं सभासदों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही उनकी मांग प्रभारी कैबिनेट मंत्री तक पहुंचाने की बात कही है। इस दौरान भाजपा युवा ब्रिगेड के जिला मंत्री ने भी सभासदों को वहां पहुंचकर समर्थन दिया। क्या नाम है आपका? मैं सभासद मोहम्मद सरताज, वार्ड नंबर 18 ठेर से निवर्तमान सभासद। आज कितने दिन हो गए आपके अंतर्गत? आज हमें यहाँ 14 दिन हो चुके हैं धरना स्थल को लगातार, हम यहीं पर हैं 24 घंटे। आज किसका समर्थन मिला आपको? आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई माननीय डॉक्टर अरविंद साहब हमारे बीच हमारा समर्थन देने पहुँचे और उन्होंने हमसे वायदा किया है कि हमें इसकी शिकायत माननीय प्रभारी मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से करूंगा और जल्द से जल्द इसका माननीय डॉक्टर अरविंद जी हमारे बीच धरने के बीच आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन इस तरह का दिया उन्होंने कि मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो दोषी होगा वो चाहे कोई भी हो, इसके अलावा और कोई बाबू हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो तत्काल जेल जाए, ये वो हमसे वादा करके गए। उनके प्रभारी मंत्री भी आ रहे हैं, उन्हें अवगत कराएंगे, उनसे बात करेंगे, हो सकता है वो हमसे धरने पर मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसका जो मामला है धरना प्रदर्शन का, आज 14वां दिन हो गया। अधिकारी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, आज कितने दिन हो गए आपके धरना प्रदर्शन? हमें आज यहाँ बैठे हुए 14 दिन हो गए, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारे पास अभी तक नहीं आए, जबकि हम यहाँ 14 दिन से भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सारे संगठनों ने हमें समर्थन दिया है और आज हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जी आज हमारे पास आए। आज उन्होंने हमारा समर्थन किया और उन्होंने हमारी भ्रष्टाचार की लड़ाई को सही बताया और कहा कि सत्य है। मुझे कई दिन से मैं सोच रहा था यहाँ पर आने की कि 14 दिन से क्या ऐसी वजह है कि जो सभासद लोग यहाँ पर हमारे धरने पर बैठे हुए हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और एक अच्छे खासे वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं ये, तो उनको क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि वो धरने पर बैठे हैं। आज मैं पहली आना हुआ मेरा आज और मैंने इनकी सारी समस्याएँ और सारी जो जनहित की वजह से, ये अपने किसी पर्सनल वजह से नहीं बैठे हैं और पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ भ्रष्टाचार के ऊपर जो हैं उनके ऊपर ये बैठे हुए हैं धरने पर। और मेरा तो कोई अधिकार नहीं है मगर मैं ज़रूर इसको ऊपर तक पहुंचाऊंगा। देश में H3N2 वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 8 से ज्यादा लोगों ने इस वायरस से जान गंवा दी है। वहीं यूपी में H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि H3N2 को लेकर अलर्ट मोड पर रहें। सभी जिलों में रोगियों के उपचार के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए, हर रोगी की सघन निगरानी की जाए और दैनिक मॉनिटरिंग की जाए।
आम लोगों को इसके लक्षण के बारे में जानकारी और बचाव के उपाय बताए जाएं। सीएम योगी ने कहा कि सभी जिलों में अस्पतालों में इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। अस्पतालों में 10-10 बेड के आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएं और सैंपल की जांच के लिए जिन 13 लैब में व्यवस्था की गई है वहाँ किसी भी चीज की कमी ना हो। प्रयागराज उमेश पाल शूटआउट केस का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 32 सेकंड का यह वीडियो उमेश पाल के घर की गली का है जो शूटआउट का नया सबूत है। वो सबूत जिसमें घायल उमेश पाल दिख रहे हैं, उन्हें गोलियां मारते शूटर दिख रहे हैं और सबसे बड़ा दावा जो किया जा रहा है वो ये कि नए सीसीटीवी फुटेज में गोलियां बरसाता आतिक के बेटे असद के दिखाई देने का भी दावा किया जा रहा है। इस बीच गोलियों की आवाज सुनकर उमेश पाल के पुराने घर से एक लड़की बाहर निकलकर उन्हें बचाने के लिए पहुंचती है, लेकिन शूटरों को देखते ही वह डर कर वापस भागती है। भागते सिपाही पर भी बम गोलियों की बौछार हुई है। खबर हरदोई के संडीला से है जहां बाइक चोरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि कासिमपुर थाना क्षेत्र के कुडराखेड़ा निवासी बाइक से दवा लेने संडीला आया था। हॉस्पिटल के बाहर बाइक खड़ी करके युवक अंदर दवा लेने चला गया कि तभी एक चोर बाइकर का लॉक तोड़ता है और बाइक लेकर फरार हो जाता है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब वायरल हो रहा है जिसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।